लोन दिलाने के एवज में 1,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जिला उद्योग व्यापार केंद्र का बाबू अपने कार्यालय कक्ष में लोकायुक्त के हाथों हुआ ट्रेप। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत लोन पास कराने के एवज में जिला उद्योग व्यापार केंद्र के बाबू योगेश सिंह को लोकायुक्त ने ट्रेप किया है। उसके खिलाफ इटौरा निवासी ब्रजेश गुप्ता ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि लोन पास कराने के लिए बाबू उनसे रिश्वत मांग रहा है, जिस पर शनिवार की दोपहर लोकायुक्त की टीम कार्यालय पहुंची और जैसे बाबू 500-500 की दो नोट लेकर जेब में रखने लगा तभी उसे लोकायुक्त ने पकड़ लिया। गल्ला व्यापार बढ़ाने के लिए ब्रजेश गुप्ता अपनी पत्नी के नाम 8.5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आवेदन पत्र व्यापार केंद्र में 18 मई को जमा किया था और तब से वह अपनी फाइल तैयार कराने के लिए बाबू के चक्कर लगा रहे थे। मैं व्यवसाय किया हूँ अनाज गल्ले का, अपनी पत्नी के लिए लोन लिया था, प्रतिभा गुप्ता के नाम से लोन लेने के लिए आवेदन किया, तो हाथ पैर जोड़ा साहब 2,000 रुपये मांग रहे थे, ठीक, तो इसके बाद साहब से ये कहें साहब कुछ कम ले लीजिए, सुबह 1,000 दे दीजिए, तो 1,000 हम इनको आज दिए थे और मैंने इनके पाप का घड़ा भर गया था, ये सबसे पैसा लेते हैं, पूरा परेशान करते हैं सबको। क्या नाम है? योगेश सिंह जी नाम। आप कितने परेशान हुए? हम बहुत परेशान हुए, मैंने इनके अधिकारी को कल बता दिए कि हम लोकायुक्त जा रहे हैं साहब, अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो। श्रीमान दुबे जी को, इनका दुबे SP दुबे जो है ना, इनको मैंने बता के गया कि मैं लोकायुक्त जा रहा हूँ, इनके अधिकारी ने कहा जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। मतलब एक भी डर नहीं था इन लोगों, इन लोगों को डर नाम की चीज़ ही नहीं है साहब। और यहाँ से ग्राम इटौरा के ब्रजेश गुप्ता हैं, उनने अपनी पत्नी श्रीमती प्रतिभा गुप्ता के नाम से बिजनेस करने के लिए लोन के लिए उद्योग केंद्र में अप्लाई किया था। श्री योगेश सिंह जो यहाँ LDC के पद पर कार्यरत हैं, उनने उसका लोन स्वीकार करने के लिए 1,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। श्री गुप्ता ने उन्हें रिश्वत न देकर लोकायुक्त में शिकायत की थी। लोकायुक्त SP के आदेशानुसार हम लोगों ने उसका वेरिफिकेशन किया और आज श्री योगेश सिंह को ब्रजेश गुप्ता से 1,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। योगेश सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की 7(13)(b), 13(2) के तहत कार्यवाही की जा रही है।